बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सज्जाद हैदर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के शोबा अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर का जो एडमिशन है एमफिल का और एमएएस का 2021 एंड 22 के लिए, तो उसकी डिटेल्स के साथ हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल आई जी स्कूल एंड अकेडमी के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि पाकिस्तान भर की तमाम एजुकेशनल न्यूज़ आपको बर वक्त और मुसलसल मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर ने अपने एमएएस और एमफिल एडमिशन का ऐलान कर दिया। सबसे पहले तो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो आपको बताना चाहूँगा, वो है 28 सितंबर 2020। 28 सितंबर 2020 तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जानी चाहिए और उसके लिए आप जो फॉर्म लेंगे वो पे आर्डर के ज़रिए या कैश के ज़रिए 1000 रुपीज़ मिलेंगे और बाद में यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट स्टडीज़ प्रोग्राम ऑफिस है AERC का, वहाँ पे आपने इसे जमा करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करते हैं। क्या आपका मास्टर्स होना चाहिए या फिर 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में हो या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कॉमर्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, स्टैट में हो या एनी रिलेटेड इक्विवेलेंट डिग्री है इसी से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से, वो एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में होनी चाहिए। और अगर आपके पास इनके साथ डिग्री है लेकिन आप समझते हैं कोई इक्विवेलेंट इनके, तो वो आप फिर उसके लिए जो इक्विलेंस कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है उससे आप सर्टिफिकेट इक्विलेंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाएंगे और वसा लगाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट देयर ओन रिस्क, अपने रिस्क के ऊपर वो करेंगे, क्योंकि उन्हें जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो सेकेंड क्वार्टर के कमेंसमेंट से पहले पहले उन्हें जमा करवाना है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा एडमिशन टेस्ट भी, और जो एडमिशन टेस्ट के सैंपल टेस्ट पेपर्स हैं वो आपको इनके रिसर्च सेंटर के जो वेबसाइट है उस पे मिल सकते हैं। तो एडमिशन टेस्ट जो है वो 3 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। फिर जो एडमिशन टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाई कर देंगे, 6 जनवरी 2021 को उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी 8 जनवरी 2021 को। ओरिएंटेशन डे है 22 जनवरी को और फ्रेशर कोर्स का आगाज होगा 25 जनवरी को और जो क्लासेस की कमेंसमेंट है इन क्लासेस का आगाज वो 8 फरवरी 2021 से हो जाएगा। तो जो पार्ट वन है, पहला पार्ट एमफिल एमएस के लिए, उसमें आपको 42 क्रेडिट आवर्स के जो कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे और अगर आप सक्सेसफुल कम्प्लीशन कर लेते हैं देन आप पार्ट टू में जाएंगे और पार्ट टू में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे पार्ट वन के, उन्हें रिक्वायर्ड होगा कि वो थीसिस लिखेंगे और फिर उसे वो डिफेंड भी करेंगे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में। तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की एमफिल और एमएस प्रोग्राम्स इकोनॉमिक्स के अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, वो लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2020। लास्ट डेट ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखिए और कामयाबी से नवाजे। सज्जाद हैदर की दुआएं नेक बनना है आपके साथ। अल्लाह की पान।